आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। अब बात मोलाई गांव की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़कें कितनी मजबूत हैं, इसकी पोल कुछ दिनों में ही खुलने लगी है। मोलाई गांव के ग्रामीण दावा करते हैं कि आप किसी भी जगह को चिन्हित करें, हम उस जगह को हाथ से उखाड़ कर दिखा देंगे। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इसके पूर्व जो सड़क बनी थी उसको यदि हम गेती या फिर फावड़ा से खोदें फिर भी वो नहीं उखड़ती थी, लेकिन अभी इतनी गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण हो रहा है जिसे हम हाथ से उखाड़ देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में उपयोग किया गया मुरुम भी अवैध तरीके से खनन किया गया है और नई रॉयल्टी दी गई है। इस संबंध में आला अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी अधिकारी को इसकी सुद लेने की फुर्सत भी नहीं है और पंचायत पदाधिकारियों ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन ऊपर पहुंच वाले ठेकेदार के आगे शासन प्रशासन भी नतमस्तक है। पटनायक है, ग्राम पंचायत महलोई से हूं मैं और यहां का उप सरपंच हूं। जी नहीं, यहाँ पे कोई मुरुम खदान स्वीकृत नहीं है और यहाँ पे हम लोग जो रोड कार्य चल रहा है उसके लिए पूर्व में ठेकेदार को भी सूचित किया था और हम इसके माध्यम से कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपे थे और थाना में भी सूचना दिया था कि यहाँ पे खदान नहीं है। उसके बावजूद भी अवैध तरीके से हमारे यहाँ के जमीन को खोद कर क्यों मतलब निकाला जा रहा है इस, और हमको रॉयल्टी की ज़रूरत है और रॉयल्टी के बिना आप कैसे निकाल ले रहे हो, हमने एक क्वेश्चन भी किया था ठेकेदार।